अच्छा नहीं होता कि अगर मेरे बारे में पता चला आप तो मुझसे बात भी नहीं करेंगे <laughs> मैं कल भी पूरी टीम को लेके गई थी अपने साथ तो नली निहारी खा के आई मैं हफ्ते में दो बार मेरे घर में जो गोश्त आता है उसमें जो नलिया होती है उसको गूदा वो अलग से लड़ लड़ के अपने लिए रखवाती है और वही गुदा खाती ठीक है फिर यू मस्ट बी गोइंग फॉर एक्सरसाइज मेन बाई की अगर आप इतना कुछ खा योगा कर लेती हूँ क्योंकि अब तो एक्सरसाइज कर नहीं पाती वजह से और एक्सरसाइज का मैं आपको बता चुकी हूँ मसला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे साथ साथ मुझे लगता है कि जिम जाते हैं उनके साथ भी हादसा होता होगा और उनके जो ट्रेनर हैं उनको कहते होंगे कि भाई कुछ नहीं है आप चलें ट्रेडमिल पे भागें इंक्लाइन पे जाएं, अब वो और तेज़ कर देते हैं स्पीड भी तेज़ हो जाती है फिर उसके बाद वो उनको एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं स्कॉट्स करवा रहे होते हैं ऐसे वो जंपिंग ना फ्रॉग की जंपिंग होती है जिसके स्कॉट्स होते हैं तो ये सब जो चीज़ें होती हैं इसकी वजह से भी हड्डियों के दर्च हो जाते हैं और ये कहती हैं कि कुछ नहीं है आप एंड में स्ट्रेचेस करेंगे तो ठीक हो जाएगा तो ऐसे ट्रेनर्स के लिए क्या कहेंगे आप जो लोगों की हड्डियाँ ख़राब कर रहे हैं मेरी तो हड्डियाँ ख़राब हुई हैं हाँ मैं समझता हूँ कि उन ट्रेनर साहिबान को थोड़ा सा एजुकेशन की ज़रूरत है दे शुड मस्ट गो सम फिजिथेरापी फिज्योथेरापी क्या होती है और फिज्योथेरापी अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं अगर ये इस तरह है बिल्कुल ठीक नहीं है कि ओवर द पेन आप कोई चीज़ करें एक तो ये होता है कि आप ग्रेजुअली बढ़ा रहे हो पहले आपने 10 मिनट एक्सरसाइज की 15 मिनट एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज की उसके साथ छोटी सी पेन हुई आपने ओवरकम किया चार पांच दिन की एक्सरसाइज करने के बाद लेकिन अगर वो मुस्तकिल पेन है, जी मुस्तकिल, तो जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता कि भाई आप ठीक हो उस वक्त तक ये करना दुरुस्त नहीं है एक तो अच्छा। पता नहीं क्यों मुआरे के अंदर है कि हर बंदा अकले कुल होता है ओफ, अकले कुल होना जो है ये सबसे बड़ी जहनी बीमारी है अब जो कि विद ऑल माई ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दिस सेंटर्स जो कि हेल्थ सेंटर्स हम कहते हैं वहाँ पर ये जो अभी आप कह रहे हैं कि फ्रॉक स्कॉट्स करवाने की खातर बॉल फेंक के उसको जोर लगा अगर तो नॉर्मल आदमी कर रहा है बिल्कुल कर लेना चाहिए नो no वरीज सब चीज़ें अच्छी हैं लेकिन अगर कोई बंदा कह रहा है कि भाई मेरे घुटों के अंदर दर्द हो रहा है मैं अजियत में हो जाता हूँ और वो कहे कि नहीं नहीं शेरबान शेरबान hmm. तो वो मैं समझता हूँ अच्छा ये अच्छा रवैया कती तौर पर नहीं है वही डैमेज फैलाता है देन वन हैज़ टू गो टू दी आ डॉक्टर और डॉक्टर फिर सर्टनली उनके कुछ एक्सेस कराएगा फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो करके देखेगा और फिर देट मेड टर्न अप सिर्फ ये हड्डियाँ नहीं है उनके साथ जो लेगामेंट्स और दरमियान में है कहीं खुदा खास्ता उनके रपच्चर या उनके अंदर ऐसा चीज़ कोई नहीं देन वन हैज गो फॉर दिटी और एम आर आई नॉर्मली हम लोग द नी तो क्या प्रॉब्लम हुआ है क्या खराबी हुई है फिर उसके मुताबिक लेकिन ये ओवर पेन जो है एक तो डाइट की खातर कि डाइट के अंदर ये मतलब जो है ये हम जंक फूड जो है दैट इज टोटली अगेंस्ट वो खाएंगे तो मोटे होंगे फिजीड ड्रिंक्स वो के लिए नुकसानदया नहीं होनी चाहिए आपको फल और भी फल भी मौसमी फल बेमौसमी फल की बे बात मौस नहीं है मौसमी फल, मौस फल खाएं सब्जियां खाएं हेल्दी अपना बिहेवियर रखें हेल्दी बिहेवियर मीन बाय के अर्ली मॉर्निंग